सो हेलो गाइज मैं हूं सोमजीत एंड वेलकम बैक टू माय अनादर इंटरेस्टिंग वीडियो सो गाइज आज मैं आपके साथ एक डिटेल वाक्राउंड रिव्यू शेयर करने वाला हूं ऑफ टाटा टियागो ईवी एंड अ थैंक्स टू कृष्णा ऑटोमोबाइल फॉर हेल्पिंग मी आउट अगर आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन में सारे डिटेल्स शो हो रहा है सो गाइज़ टाटा टियागो में आपको बहुत सारे वेरियंट्स मिल जाते हैं पर इसमें आपको थ्री थ्री ऑप्शन टाइप दिया गया है मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज एंड लॉन्ग रेंज विथ फास्ट चार्ज सी एंड एक्स टी में आपको नॉर्मल मीडियम रेंज मिल जाता है एंड एक्स टी में भी आपको लॉन्ग रेंज मिल जाता है एग्जेट प्लस में आपको लॉन्ग रेंज मिल जाता है और एग्जेट प्लस टेक लग्जरी में भी आपको लॉन्ग रेंज मिल जाता है एंड एग्जेट प्लस एंड एग्जेट प्लस टेक लग्जरी में आपको लॉन्ग रेंज विथ विथ फास्ट चार्ज का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है सो लुक वगैरह आप पूरा देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लुक्स आपको पूरा देखने के लिए मिल जाता है और गाइज़ आज मेरे पास जो वेरिएंट अवेलेबल है वो है इसका एक्स जेड प्लस टेक्स टेक लग्जरी लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट ठीक है तो आ, तो चलिए गाइज़ अभी पहले फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट कर लेते हैं सो आप इसका फ्रॉन्ट लुक देख सकते हो इसमें आपको डुअल चैम्बर सिंगल प्रोजेक्टर एंड सिंगल रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स आपको पूरा देखने के लिए मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आपको फ्रंट ग्रिल टाइप मिल जाता है ठीक है विथ ट्राई एरो डिज़ाइन और आपको बीच में क्रोम फिनिशिंग के साथ टाटा का लोगो दिया गया है ठीक है और फ्रंट से गाइस ओवरऑल जो लुक है काफ़ी बढ़िया लगता है मेरे को और आपको यहाँ पर मैट ब्लू फिनिश में ईवी का बैजिंग मिल जाता है और गाइज आपको इस हेडलाइट से लेके एकदम पूरा उस हेडलाइट तक मैट ब्लू फिनिश मिल जाता है ठीक है बिकॉज इट्स एन ई कार और आपको टाटा के जितने भी ई वी कार्स है ठीक है उसमें आपको ये वाला एलिमेंट ज़रूर मिलता है ठीक है ये मैट ब्लू फिनिश वाला एलिमेंट और फ्रंट बम्पर का आप पूरा लुक देख लीजिए फ्रंट फॉग फॉगलेम्स विद फ्रंट एल ई डी और गाइज आप इसका नीचे डाउन ग्रिल देख सकते हो ठीक है ये भी आपको एक बहुत ही सुंदर ट्राई एयर डिज़ाइन में आपको ये पूरा मिल जाता है फ्रंट बोनट विथ अक्रीज लाइंस डुअल वाइपर विथ अ डूल वॉशर का इसमें आपको पूरा फंक्शन मिल जाता है और ये है सब कुछ फ्रंट लुक साइड से गाइज आप टियागो ई वी का पूरा लुक देख सकते हो इसमें आपको फ्रंट में डिस्ब्रेक्स एंड आपको रेयर में कंपनी ने ड्रम ब्रेक्स ऑफर किया है ठीक है इसमें गाइज आपको एलोए व्हील्स नहीं मिलता है ठीक है इसमें आपको मिलता है स्टाइल ड्रीम्स ठीक है और और गाइज इनका जो साइज है ठीक है वो है अब वन 65 फाइव बाई सिक्सटी फाइव इंच विथ ट्यूबलेस टायर्स और साइड में आपको यहाँ पर ईवी का एक बैजिंग मिल जाता है और गाइज आपको इसमें फुल्ली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल फंक्शन के साथ आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाता है ठीक है इन फुल्ली ग्लॉस ब्लैक फिनिश विद साइट एंड इंडिकेटर डोर ओपनिंग हैंडल इन ग्लॉस ब्लैक फिनिश विथ अ स्मॉल रिक्वेस्ट सेंसर ए पिलर एंड सी पिलर आर इन फुल बॉडी कलर एंड द बी पिलर इज इन मैट ब्लैक फिनिश और गाइज इसका जो रूफ है ठीक है ये आपको पूरा ग्लॉस ब्लैक फिनिश में एकदम आपको पूरा डुअल टोन मतलब इसका पूरा रूफ मिल जाता है ठीक है एकदम पूरा ग्लॉस ब्लैक फिनिश में और आपको रूफ में एक एक एंटीना मिल जाता है और गाइज टाटा टियागो ई वी का जो व्हील बेस है ठीक है वो है टू थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड एम एम का इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है और साइड से ओवरऑल इसका जो लुक है काफ़ी बढ़िया लगता है मेरे को फ्रंट लुक साइड लुक एक्सटीरियर लुक इंटीरियर और एक सेफेस्ट ई कार है ये और गाइस ये है इसका रेयर प्रोफाइल से लुक टियागो ई का सो so, रेयर से भी काफ़ी बढ़िया लुक्स मेरे को लगता है ठीक है और गाइस ये जो कलर है ठीक है ये कलर स्पेशली टियागो ई में काफ़ी बढ़िया लगता है मेरे को ठीक है तो चलिए इस अभी एक बार पूरा रेयर को एकदम पूरा देख लेते हैं ठीक है सारे फीचर्स वगैरह रेयर टेल एम्प आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है ये आपको पूरा मतलब एकदम पूरा फुल हेलोजन में मिल जाता है और टाटा का लोगो एंड टियागो ई का बैजिंग और आपको ठीक उसके नीचे एक पार्किंग कैमरा और आपको रेयर में भी एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है टू एक्सेस द बूट रेयर में आपको रेयर डिफॉगर विथ रेयर वाइपर का इसमें आपको पूरा फंक्शन मिल जाता है और आपको ऊपर में यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लाइट दिया गया है ठीक है इन फुल रेड लेंस और ये है गाइस टियागो ई ईवी का एकदम पूरा रेयर प्रोफाइल लुक ठीक है इसमें भी आपको डुअल टोन में पूरा रेयर बम्पर मिल जाता है ठीक है मैट ब्लैक फिनिश में आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है इसकी वजह से काफ़ी बढ़िया लग रहा है ठीक है एकदम पूरा रेयर प्रोफाइल से लुक और गाइस ये है टियागो ई का की इसमें आपको लॉक अनलॉक अ फॉलोमिंग हेडलैम्प एंड टू एक्सेस द रेयर बूट सिर्फ आपको यही चार ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है ठीक है और गाइस ये है टियागो ई का ड्राइवर साइड डोर ट्रिम का लुक इसमें आपको मैट ब्लैक फिनिश एंड अ बेज कलर और आपको उसके साथ साथ पूरा क्रोम फिनिशिंग में डोर ओपनिंग हैंडल आपको मिल जाता है ठीक है इसमें आपको यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम पूरा क्रोम फिनिशिंग के साथ डोर ओपनिंग हैंडल और आपको ठीक उसके नीचे ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल्स ग्रैब हैंडल आमब्रश्ड Uh, uh, स्पीकर uh, uh, का प्लेसमेंट अम्ब्रेला होल्डर एंड कुछ सामान वगैरह एंड कुछ सामान वगैरह पूरा रखने का स्पेस आपको मिल जाता है डैशबोर्ड आप देख सकते हो मैट ब्लैक फिनिश बेज कलर एंड ग्लॉस ब्लैक फिनिश एंड मैट स्काई फिनिश आपको यहाँ पर पूरा मिल जाता है ठीक है बिकॉज इट्स एन ई वी कार तो चलिए गाइज़ अभी पहले टियागो ई वी को ऑन कर लेते हैं so, सो गाइज आप इसका पूरा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देख सकते हो ठीक है ये आपको एकदम पूरा फुल्ली डिजिटल मिल जाता है ठीक है और गई इसका जो थीम है ये काफ़ी बढ़िया है ठीक है एकदम आपको पूरा वाइट एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में आपको एकदम पूरा मिल जाता है और आपको टियागो ई में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिल जाता है और आपको इसमें पूरा क्रूज कंट्रोल वगैरह भी मिलता है और आपको यहाँ पर म्यूज़िक uh, सिस्टम से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसमें आपको मिल जाता है सेवन इंच टच स्क्रीन अब पूरा म्यूज़िक सिस्टम विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले और आपको नीचे यहाँ पर सारे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है ए सी वेंट्स हैजरलेट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक ए सी आपको यहाँ पर मिल जाता है और गैस ये है इसका पूरा गियर नॉब ठीक है न्यूट्रल ड्राइव रिवर्स एंड स्पोर्ट्स मैनुअल हैंड ब्रेक आपको यहाँ पर मिल जाता है और गाइज टाटा टियागो ईवी का जो ग्लोब बॉक्स है ये आपको सॉफ्ट टच ओपनिंग के साथ मिल जाता है और इसका जो स्पेस है ये काफ़ी बढ़िया है रेयर व्यू मिरर ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड सन सेट आपको मिल जाता है और गाइज इसका जो सीट है ठीक है ये आपको एकदम पूरा लेदर में मिल जाता है ठीक है और काफ़ी कंफर्टेबल सीट है तो चलिए गई अभी मैं आपको एक बार इसका सेकेंड रो दिखा देता हूँ सो गाइस ये है इसका सेकेंड रो डोर ठीक है सेम एज़ द फ्रंट अ डुअल टोन क्रोम फिनिशिंग डोर ओपनिंग हैंडल स्पीकर का प्लेसमेंट एंड कुछ सामान वगैरह रखने का स्पेस पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं और गाइस ये है इसके रेयर सीट्स के लुक एकदम पूरा एकदम पूरा लेदर में आपको पूरा मिल जाता है ठीक है ऊपर में आपको यहाँ पर एक रीडिंग लाइट मिल जाता है फ्रंट टू एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड रेयर टू नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको टाटा ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है तो चलिए गाइस अभी एक बार इसका बूट देख लेते हैं तो आपको ऐसे करके इसके बूट को एक्सेस करना पड़ेगा इसमें गाइज आपको मिल जाता है टू फोर्टी लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस आपको इसमें दिया गया है और इसमें आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाता है एकदम पूरा कंपनी फिटेड ठीक है तो चले गई अभी मैं आपको एक बार इसका इलेक्ट्रिक अ... मोटर दिखाई दूँ ठीक है तो वो आपको यहाँ से इजीली आप इसको एक्सेस कर पाओगे सो uh, गाइज so इसका जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है ठीक है वो भी काफ़ी बढ़िया है ठीक है एकदम पूरा फोर स्टार सेफेस्ट कार है और गाइज इसमें आपको मिलता है ट्वेंटी फोर किलो वॉट और आयन बैटरी थ्री फेस मैग्नेटिक सिंकोरस मोटर इसका गाइज जो पावर आउटपुट है ठीक है वो है सेवेंटी फोर बी एंड वन वन फोर न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और गाइज इसका जो और गाइज टियागो ई का जो ड्राइविंग रेंज है ठीक है वो है थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टीन किलोमीटर्स ठीक है जो इसका कंपनी टेस्टेड रेंज है सो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लाइक शेयर एंड कमेंट्स और गाइज अगर आपको टाटा का कोई भी कार परचेज करना है तो आप इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग